क्या कौन है आपका यहाँ पर? मेरी भतीजी है श्रेया यादव, जिसकी कैजुअलिटी हुई है। तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फोन आया, लेकिन मैं न्यूज देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से, जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थी और 1 लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो मैं 3 बच्चे थे, एक सिर आया तो भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएगी, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। हाँ, मैं जब न्यूज देखा तो तकरीबन 12:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, मैंने सोचा न्यूज देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं, करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर की, एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूंकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा करके कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था, एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह कोई हैं। तो डीपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ, हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके पीजी में देख लूँ उसके, क्योंकि पीजी मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुँचा। तो 1 बजे जब पहुँचा वहाँ, देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12:00 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार आरएमएल के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। मैं मूल रूप से अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो फैजाबाद अयोध्या था और अभी अंबेडकर नगर है। और मेरी भतीजी है श्रेया नाम है उसका, और मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ खुद। तो कितने महीनों पहले कराया था आपने? 4-5 महीने हो गए, मई जून में एडमिशन उसका कराया था मैंने। अभी माता पिता को बता दिया कौन कौन परिवार से आ रहे हैं? नहीं, आने का तो कोई नहीं आएगा परिवार से जो अंबेडकर नगर में है। यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है और मेरी धर्मपत्नी खुद है, बाकी जो मेरे और सर्कल के लोग हैं, मेरा भतीजा रहता है, तो लगभग आधी फैमिली यही है, वो सब लोग आ रहे हैं। बाकी गांव वाले जो आने के कारण मैंने उनको मना कर दिया कि हम वापस वहीं आएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि काफी उम्मीदों से आपने आईएएस बनने के लिए भेजा था और ये खबर सुनने को मिली, क्या? देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपने जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बने हैं नहीं बने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाएगी, अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए, ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। जैसे आपने एडमिशन कराया था तो आपने देखा था कि जैसी व्यवस्था वहाँ पर है बेसमेंट में, से कोई आता है, मान लो मैं यूपी से आ रहा हूँ या बिहार से आ रहा हूँ, तो वो कोई मानक नहीं चेक करता है। जैसे हम अंदर अगर लाइब्रेरी देखने गए तो हम देखेंगे उसमें सिटिंग है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, बुक्स है कि नहीं है, आदमी ये देखता है, ये नहीं देखता है कि भाई कितने बाई कितने में बना हुआ है। हम तो ये देखते भाई 20 चेयर लगे, 20 लोग बैठेंगे, तो ये तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए।